नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। अभी हाल ही में हमने एक खबर बताई थी कि उत्तरी कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन की तबीयत काफी क्रिटिकल है, लेकिन उत्तरी कोरिया इस पर कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन इसी बीच विदेशी मीडिया की माने तो सनकी तानाशाह को बचाने के लिए एक बड़ी डॉक्टरों की फौज को प्योंगयांग भेजा है। इससे इस बात की पुष्टि हो गई है कि अब सनकी तानाशाह की वाकई तबीयत खराब है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की माने तो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीमार होने की खबरों के बीच चीन से डॉक्टरों की एक टीम कोरिया भेजी गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल लायजन डिपार्टमेंट के एक सीनियर नेता के नेतृत्व में बीजिंग से उत्तर कोरिया के लिए ये टीम निकल चुकी है। हालांकि सनकी तानाशाह के स्वस्थ होने के बारे में अंदर से कोई खबर नहीं मिल पाई। अब ये देखना होगा कि मेडिकल टीम के पहुंचने के बाद वहां से क्या पता चलता है। उधर चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि इससे पहले दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल स्थित एक वेबसाइट के हवाले से ये खबर छपी थी कि किम जोंग उनकी सेहत ठीक नहीं है, और इसी खबर में ये भी बताया गया कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण किम जोंग का लंबे समय से इलाज चल रहा था। इसके बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इसे लेकर हाल ही में साउथ कोरिया और अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स में दो तरह के दावे किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से लिखा गया कि किम जोंग या तो कोमा में है या फिर ब्रेन डेड हो गए। वहीं साउथ कोरिया के खुफिया सूत्रों के हवाले से मीडिया ने लिखा कि किम जोंग की हार्ट सर्जरी चल रही थी, फिलहाल उनकी गंभीर हालत के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। उसके बाद दक्षिण कोरिया की एक और प्रमुख वेबसाइट डेली एनके ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि किम जोंग उनको 12 अप्रैल को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रोसीजर दिया गया था। न्यूज साइट के मुताबिक किम को स्मोकिंग, मोटापे और ज्यादा काम करने की वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर रखा गया था। अब ह्यांगसांग काउंटी के एक विला में उनका इलाज किया जा रहा है। इसी बीच अफवाहों के बाजार में अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आया कि किम जोंग की हालत खराब है। मैं आशा करता हूं कि किम ठीक होंगे। जो भी हो, चीनी डॉक्टरों की फौज उत्तरी कोरिया पहुंचने से एक बार फिर हलचल मच गई, और अब कहा जा रहा है कि सनकी तानाशाह की हालत वाकई खराब है। अब देखना होगा कि क्या चीनी डॉक्टरों की फौज सनकी तानाशाह को बचा पाती है या नहीं।